हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेकटॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बाइनरी ट्री और नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेकटॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वर्जन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। और उस थ्रेडेड बाइनरी ट्री में मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑपरेशंस ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जिसमें से हम इनऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है इंसर्शन ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले ऑपरेशन, और जो तीसरा ऑपरेशन है वो है डिलीशन ऑपरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इंसर्शन ऑपरेशन से। इस वीडियो में मैं आपको इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। तो इनऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे इंसर्शन ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंसर्शन ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमें ये याद रखना है कि इट इज जस्ट सिमिलर टू द इंसर्शन ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी ट्री और अ बाइनरी सर्च ट्री। तो वो जो इंसर्शन ऑपरेशन है जिसमें से हम एक एक एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं, तो वो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। वो है टू एडजस्ट द थ्रेड्स। थ्रेड्स एडजस्ट करने के साथ साथ हमें थ्रेड फ्लैग भी एडजस्ट करना होता है, अपडेट करना होता है, और वो हमें करना है आफ्टर इंसर्शन ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के बाद हमें ये अपडेट करना होता है। और इस वीडियो सीरीज में मैं बाइनरी सर्च ट्री कंसिडर कर रही हूँ एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि उसके इंसर्शन के रूल्स हमें पता है। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं पता है और उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए उसका पूरा वीडियो सीरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले वो आप देख लीजिए और फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उस स्टेप से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस हमें हैंडल करने हैं। तो सबसे पहला केस है अगर हमें फर्स्ट नोड जो इंसर्ट करना है वही रूट नोड है, मतलब कि हमारा ट्री अभी एम्प्टी है और हमें जो फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है, तो उस टाइम हमें कौन कौन सी केयर लेनी पड़ेगी। दूसरा केस हमें क्या पढ़ाता है, क्या सिखाता है कि अगर हमें न्यूली इंसर्टेड नोड जो इंसर्ट करना है वो एज अ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करना है, और अगर हमें न्यू नोड इंसर्ट करना है वो एज अ राइट चाइल्ड इंसर्ट करना है। ये तीन अलग अलग केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट नोड हमारी बाइनरी ट्री में, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में इंसर्ट करनी है, तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो चलो देखते हैं स्टेप्स उसके लिए। तो सबसे पहले है जो कि हमें नया नोड इंसर्ट करना है इन एम्प्टी ट्री, तो उस केस में हमें क्या करना है, बोथ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स जो कि होते हैं उस नए नोड के ऑफ द न्यू नोड विल सेट टू द हेडर नोड, क्योंकि आपको पता है इन अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री इन ऑर्डर प्रेडिसेसर नहीं है तो उसे हमें हेडर नोड को पॉइंट करना है। इन ऑर्डर सक्सेसर भी नहीं है अगर किसी नोड को, तो वो भी हमें हेडर को पॉइंट करना है। तो अगर हमें फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है अपनी थ्रेडेड बाइनरी ट्री में, तो ऑब्वियसली ना उसका कोई प्रेडिसेसर रहेगा ना उसका कोई सक्सेसर रहेगा। इसके लिए हमें वो दोनों लेफ्ट थ्रेड एंड राइट थ्रेड हमें पॉइंट करने हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग नल वैल्यू, क्योंकि थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो होता है वो नल फ्री होता है, तो वो नल वैल्यूज रिप्लेस होगी इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर, दे आर द हेड नोड इन केस ऑफ द फर्स्ट और अ रूट नोड। तो जो नया नोड होगा उसको ही हम रूट नोड बोल देंगे,
उस न्यू नोड के लेफ्ट पॉइंटर में क्या होगा एड्रेस ऑफ हेडर नोड, उसी नोड के राइट पॉइंटर में क्या होगा एड्रेस ऑफ अगेन हेडर नोड, क्योंकि इसका इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर अवेलेबल नहीं है। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये सिंगल नोड है और वही रूट नोड है, उसका ही एड्रेस हेडर में रहेगा और उसके लेफ्ट पॉइंटर में भी खुद का एड्रेस रहेगा, राइट पॉइंटर में भी खुद का एड्रेस रहेगा। अभी ये अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, थ्रेड फील्ड जो होगा हर एक नोड का, उस नोड का जो न्यू नोड है वो भी हमें ट्रू करना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड जो है वो पॉइंट कर रहा है हेडर से, वहां पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड का एड्रेस नहीं है। अगर चाइल्ड होता है तो थ्रेड फील्ड फॉल्स होता है, अगर थ्रेड होता है तो थ्रेड फील्ड ट्रू होता है। इसलिए हमें न्यू नोड का एल थ्रेड और आर थ्रेड दोनों जो बुलियन वेरिएबल्स है वो हमें ट्रू करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका डिक्लेरेशन पता नहीं है कि नोड डिक्लेयर हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कैसे करते हैं, तो वो मैंने सेकेंड वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज जो की है टाइप्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, उसमें एक्सप्लेन किए हुए है। आपके लिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे उसका लिंक दे रही हूँ, शॉर्टकट लिंक, उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो आप वो देख सकते हो। अभी ये हो गया अगर हमें फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है एज अ रूट नोड। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एज अ लेफ्ट चाइल्ड न्यू नोड हमें इंसर्ट करना है एज अ लेफ्ट चाइल्ड, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो चलो देखते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू नोड एज अ लेफ्ट चाइल्ड। अभी अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड करना है तो हमें क्या अपडेट करना होता है। आफ्टर इंसर्टिंग द नोड एज इट्स प्रॉपर प्लेस, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड इन दिस केस, क्योंकि हम लेफ्ट चाइल्ड वाला केस हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें थ्रेड्स हम वैसे ही अपडेट करने ही है। तो अगर लेफ्ट है तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि फॉर द लेफ्ट थ्रेड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर उसके लेफ्ट पॉइंटर में अपडेट करना है, और राइट थ्रेड में हमें क्या करना है इन ऑर्डर सक्सेसर रिस्पेक्टिवली। तो हम जो न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली उसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर में नल वैल्यू होगी, क्योंकि ये नया नोड है जो कि हमें पता है। तो इंस्टेड ऑफ नल वैल्यू हमें क्या रखना है, उसके लेफ्ट पॉइंटर में इन ऑर्डर प्रीडिसेसर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और राइट पॉइंटर में उसका इन ऑर्डर सक्सेसर आ जाएगा, क्योंकि वो थ्रेड है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट थ्रेड एंड राइट थ्रेड। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये सारे जो लेफ्ट प्रीडिसेसर लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट इन ऑर्डर प्रीडिसेसर राइट पॉइंटर में इन ऑर्डर सक्सेसर जो अपडेट करना है, उसके साथ साथ हमें थ्रेड फील्ड भी अपडेट करना है। तो चलो देखते हैं कि ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं। अभी मान लो हमारे पास ये ट्री ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये है बाइनरी सर्च ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, पर हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री के रूल्स अप्लाई किए हुए हैं। अगर हमें नया नोड एज अ 15 इंसर्ट करना है तो इसमें क्या करना होगा, 15 कहाँ पे जाएगा आप देख सकते हो, 15 18 के लेफ्ट चाइल्ड एज अ लेफ्ट चाइल्ड अटैच होगा, वही हम देख रहे हैं अटैच एज अ न्यू नोड एज अ लेफ्ट चाइल्ड, तो ये 18 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये 15 को एज अ लेफ्ट चाइल्ड हमें अटैच करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, लेफ्ट एंड राइट थ्रेड ऑफ द न्यू नोड विल बी क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया था वो होंगे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आप थोड़ा सा सोच लो, ये अगर ट्री को हम इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लेते हैं तो 15 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होगा और इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा। तो चलो इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं, तो ये हो गया 2, 12, देन 15 आएगा, देन 18, तो 15 का प्रीडिसेसर क्या है 12 और 15 का सक्सेसर क्या होगा 18, तो वही हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 का प्रीडिसेसर 12, वो आपको एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये जो 15 का पैरेंट होने वाला है उसका लेफ्ट पॉइंटर, आप यहाँ पे देख सकते हो पैरेंट का लेफ्ट में जो एड्रेस है वही हम न्यू नोड का लेफ्ट ले लेंगे, क्योंकि वो हो गया आपका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। और सक्सेसर क्या है, पैरेंट खुद नोड जो है वो न्यू नोड का सक्सेसर हो जाता है, इसलिए न्यू नोड का राइट में क्या आ जाएगा द एड्रेस ऑफ पैरेंट नोड।
तो ये अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट नोटिस करो कि मैंने क्या चेंजेस किए हुए हैं। अभी 15 का लेफ्ट पॉइंटर देखो क्या अपडेट हो रहा है, तो ये थ्रेड पॉइंट कर रहा है 12 को, जो कि पहले 18 का प्रीडिसेसर था, अभी 15 का प्रीडिसेसर हो गया। और 15 का सक्सेसर कौन हो जाएगा, अब खुद पेरेंट नोड, तो ये उसका कनेक्ट कर लिया। अभी सिर्फ ये कनेक्शन करके फायदा नहीं है, ये दोनों का लिंक भी जनरेट होना चाहिए, क्योंकि ये अभी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। तो वो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिफोर इंसर्शन द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ अ पेरेंट वॉज अ थ्रेड, बट आफ्टर इंसर्शन इट विल बी अ लिंक। क्योंकि ये 18 को पहले क्या था, थ्रेड था, अभी ये दोनों पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, तो थ्रेड जो है, थ्रेड फ्लैग, वो आपको अपडेट करना होगा। तो एल थ्रेड क्या हो जाएगा, एल थ्रेड पहले थ्रेड था इसलिए ट्रू था, पर अभी चाइल्ड अटैच हो रहा है इसलिए वो फॉल्स हो गया, और पेरेंट के लेफ्ट में हमें न्यू नोड का एड्रेस दे देना है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ये 18 और 15 एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी चलो देखते हैं कि नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला केस, अटैच अ न्यू नोड एज अ राइट चाइल्ड। वही सारी चीजें हमें फिर से करनी है, राइट चाइल्ड अटैच करना है, इसके लिए हमें थ्रेड्स पॉइंटर अपडेट करने होंगे, फ्लैग्स अपडेट करने होंगे, हमें सोचना होगा कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है। तो चलो देखते हैं कि अगर हमें नया नोड एज अ 20 अटैच करना है इस बाइनरी सर्च ट्री, जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है उसमें, तो हमें क्या करना होगा। आप जरा थोड़ा सा सोच लो कि 20 अगर मुझे इंसर्ट करना है तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 18 जो कनेक्ट होगा वो, सॉरी 20 जो कनेक्ट होगा वो 18 के राइट चाइल्ड को कनेक्ट होगा, और वही केस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने 20 रख लिया। अभी 20 में यहाँ पे रखने के बाद हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट चाइल्ड 20 मुझे अटैच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज इट्स सेल्फ इज अ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। क्योंकि हमें पता है अगर मुझे ये इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो क्या होगा, 2, 12, 18, उसके बाद 20 और फिर 25, तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, पेरेंट नोड इट्सेल्फ, राइट। तो अभी इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के बारे में हम सोचते हैं, और उसके बाद नोड विच वॉज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ अ पेरेंट, पेरेंट का सक्सेस इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 25, राइट। तो वही न्यू नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाएगा। तो चलो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। न्यू नोड का लेफ्ट क्या हो गया, पेरेंट नोड, जो थ्रेड वो आ जाता है वो पेरेंट नोड, और न्यू नोड का राइट क्या होता है, पेरेंट का राइट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये अपडेट कर लिया, 20 का लेफ्ट पॉइंटर जो है वो उसके पेरेंट को आ जाएगा थ्रेड, और ये जो 18 का था वो हम रिमूव कर लेंगे और वो लगा लेंगे हम 20 को। तो ये आ गया, अभी ये 20 को कनेक्ट हो गया, 20 से हमने 25 तक थ्रेड बना लिया। पर क्या इस लिंक का अटैच होना जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 18 पेरेंट नोड है, 20 उसका राइट चाइल्ड नोड है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, लेफ्ट चाइल्ड अटैच करने के लिए, जबकि हम 18 का लेफ्ट चाइल्ड अटैच कर रहे थे, तो 18 का लेफ्ट थ्रेड जो हमने चेंज किया एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में, तो थ्रेड वाला फ्लैग मैंने ट्रू में से फॉल्स किया था। कुछ इसी तरह हमें 18 का राइट थ्रेड वाला फ्लैग हमें ट्रू में से फॉल्स करना है, क्योंकि पहले उसमें 25 का थ्रेड था, पर वो निकाल के हमने 18 को राइट चाइल्ड लगा लिया है, जो कि अभी 20 है। तो यही मैंने सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, बिफोर इंसर्शन द राइट पॉइंटर ऑफ अ पेरेंट वॉज अ थ्रेड, क्योंकि 18 में 25 का एड्रेस था, पर अभी नया नोड इंसर्ट करने के बाद लिंक विल बी पॉइंटिंग टू द न्यू नोड, तो वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, मतलब कि ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप डेवलप करेगा। तो ये डेवलप करने के बाद जो आर थ्रेड वाला बूलियन वेरिएबल है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें थ्रेड एग्जिस्ट है ही नहीं, वो चाइल्ड नोड को अटैच कर रहा है, इसलिए वो फॉल्स हो गया, और वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे वो डेवलप करेगा,
पेरेंट के राइट को हमने न्यू नोड को असाइन कर लिया, इसका मतलब कि ये राइट चाइल्ड उसने अटैच कर लिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे कंटेंट एंड वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ना भूलिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, वो भी आप गो थ्रू कीजिए, और होल प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए दे रही हूँ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।